गाइज, मैं मेरे एक और नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और गाइज, आज हम जहाँ चलने वाले हैं वो जगह बहुत ही खास है, क्योंकि वहाँ पे खुद एक वानर, हाँ जी, एक बंदर जिसका नाम रामू है, वो खुद सेवा देता है। जी हाँ, हम आज चलने वाले हैं बजरंगगढ़ में, जहाँ पे एक रामू नाम का बंदर खुद भगवान की सेवा करता है, वह भक्तों को सेवा देता है। और गाइज, ये जो आप आनासागर झील देख रहे हैं, इसका निर्माण पृथ्वीराज जी के पिता पितामह अर्णोराज जी, या जिन्हें आना जी के नाम से भी जाना जाता था, जो चौहान वंश के एक राजा थे, उन्होंने 12वीं शताब्दी 1135 से 1150 के बीच में करवाया था। और उनका नाम आना जी होने के कारण इस झील का नाम आना सागर इस प्रकार से नामकरण हुआ। और ये एक कृत्रिम झील है, ये मैं आपको बता दूं। और इस पे जो ये 12 दरियां बनी है खूबसूरत, इसका निर्माण शाहजहां ने 1627 ईस्वी में करवाया था। और इसमें बांडी नदी का बरसाती पानी आता है, ओवरफ्लो होने पे वहाँ गेट खोल दिए जाते हैं और इसमें वही पानी एकत्रित होता है। और गाइस, जो बर्ड्स लवर हैं उनके लिए जगह बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ पे प्रवासी पक्षी और भी कई पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती है, और यहाँ पे बेस्ट कैप्चर होते हैं बर्ड्स के। ये देख सकते हैं आप, यहाँ कितनी ब्यूटीफुल बर्ड्स घूम रही है। ये सीगल है, और कई तरह की बर्ड्स को मैंने यहाँ पे खुद व्यू किया है। और यहाँ पे इन बर्ड्स को आप दाना डाल सकते हैं, साथ ही में बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं, 12 दरी के पास बने हुए गार्डन में घूम सकते हैं, और भी आपको प्रकृति के पास आने का एहसास यहाँ पे होगा। और आना सागर के पास बनी इस चौपाटी के पास शाम को लगभग काफ़ी भीड़ हो जाती है, और यहाँ पे आप चौपाटी का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ पे खाने पीने के स्ट्रीट फूड भी आपको पास में मिल जाएंगे। और यहाँ का जो सनसेट है वो बहुत ही खास है, तो सनसेट के लिए भी यहाँ पे खास तरह से लोग बाग आते हैं, ये देख सकते हैं आप। इस आना सागर झील के पास एक पाथवे भी बनाया है, जो कि कई किलोमीटर में फैला हुआ है, और लिंक रोड भी बनी हुई है, जो कि मुंबई की मरीन ड्राइव को भी मात देता है। और गाइस, पृथ्वीराज सिंह चौहान जी की जो ये अजय मेरु नगरी है, जिसे वर्तमान में अजमेर के नाम से जाना जाता है, इसमें ये बीच में जो है आना सागर झील बनी हुई है, जो कि चारों तरफ फैली है, और इसी के किनारे पे जो भी हैं सभी पर्यटक स्थल हैं, जैसे सुभाष उद्यान है और बजरंगगढ़ है। हाल ही में बना एक 7 वंडर, इसका मैंने एक ब्लॉग इसी के पास में ही बना हुआ है। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट जो बजरंगगढ़ है वहाँ पे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे विजय स्मारक पे। और यहाँ पे इस तरह से खूबसूरत पहाड़ियों को काट के रास्ता बनाया हुआ है। तो गाइस, ये है बजरंगगढ़ धाम, जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। ऊपर चढ़ने के बाद में कुछ सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से चढ़ने के बाद में आपको पूरे अजमेर का भी एक खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा, ख़ास तौर पे आना सागर झील का व्यू दिखाई देगा। यहाँ से ऊपर से आप 12 दरियाँ देख सकते हैं, जो कि शाहजहाँ ने जिनका निर्माण करवाया था 1627 ईस्वी में। और यहाँ पे जो बालाजी का जो मूर्ति है उसका मुंह खुला हुआ है, उसमें आप प्रसाद का भोग इजीली लगा सकते हैं। और गाइस, कहते हैं कि यहाँ पे एक रामू नाम का बंदर था, जो कि यहाँ पे एक बीमार अवस्था में आया था, और चौकीदार के यहाँ का जो चौकीदार है उनसे उसकी दोस्ती हो गई थी, और बाद में वो भी हनुमान जी की सेवा भक्ति में, हनुमान जी की आरती में शामिल होता था, और वो जो यहाँ आने वाले भक्त हैं उनके भी टीका लगाया करता था, उन्हें आशीर्वाद दिया करता था, और आरती वगैरह में वो समय से उपस्थित होता था यहाँ पे, और बहुत ही घुलमुल गया था। परंतु वर्तमान में वो मुझे अभी कहीं दिखाई नहीं पड़ा, इसलिए मैंने उसकी इमेज से आपको बताया कि ये वाकई में चमत्कार ही है भगवान का। और यहाँ पे ये कि प्राचीन शिवालय है, और पीछे यहाँ परिक्रमा होती है, नारियल बांधे जाते हैं और धागे भी बांधते हैं यहाँ पे। तो प्राचीन ये एक बजरंगगढ़ मंदिर है, जो जिसे कि बापूगढ़ पहाड़ी पे भी कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इसका बापूजी सिंधिया मराठा सरदार ने करवाया था यहाँ पे। और यहीं पे एक नीचे एक विजय स्मारक बना हुआ है, अभी हम वहाँ भी चलते हैं।
भोलेनाथ। और एक बार फिर से मैं आपको यहाँ से ऊपर का पूरा व्यू दिखा देता हूँ, तो आप जब भी अजमेर घूमने आए तो यहाँ पे आना ना भूले। यहाँ से आना सागर की झील का बहुत ही शानदार नज़ारा आता है, ये देख सकते हैं आप। तो गाइस, पृथ्वी सिंह जी के जो पितामह थे, दादाजी थे, उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था और अजमेर बसाने का श्रेय भी उनको ही जाता है। उनका नाम था अर्णोराज, जिन्हें आना जी के नाम से भी कहा जाता है। और गाइस, बजरंगगढ़ के ये दो गेट हैं, अब हम इस गेट से एग्ज़िट होते हैं। आप भी जब यहाँ आएंगे तो आपको ये दोनों द्वार दिखाई देंगे। और इस गेट से नीचे होते ही आता है विजय स्मारक, और पास में यहाँ पे सर्किट हाउस बना है जहाँ पे ये अपने देश का तिरंगा लहरता हुआ आपको दिखाई देगा। सर्किट हाउस भी यहाँ पे जो अंग्रेजों ने राज किया था उस समय बना था। और गाइस, ये है यहाँ पे बना हुआ विजय स्मारक। 1971 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की एक लड़ाई हुई थी, तब उस समय पाकिस्तान द्वारा जो टैंक यहाँ पे छोड़ा गया था जिसपे हमने विजय प्राप्त की थी, वो यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग के कारण इस जगह पर उसको लगाया गया है। और यही वो टैंक है, आप देख सकते हैं। और इस पर एक पाकिस्तान का झंडा भी लगा हुआ है जो कि उल्टा लगाया हुआ है। और स्थानीय लोगों की डिमांड के कारण इसे यहाँ पे विजय स्मारक के तौर पे रखा गया। ये बजरंगगढ़ चौराया है, आप देख सकते हैं पूरा, यहीं पे बीच में विजय स्मारक बना है। और ये है वो पाकिस्तानी टैंक। तो गाइज, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।